लिटरेचर का चैप्टर 7 पढ़ें, ठीक है। हमारे इस चैप्टर का नाम है द काइट, ये हम लोग का चैप्टर 7 है, इस चैप्टर का नाम है द काइट। तो आप लोग सबको पता है काइट का मतलब क्या होता है, काइट हम लोग पतंग को कहते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में द काइट, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे पतंग, पतंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि पतंग कैसे उड़ती है, उड़ उड़ के वो कैसे हाउस के ऊपर चली जाती है, कभी ग्रास में, कभी मैदान में घूमती है, तालाबों से होते हुए गुजरती है। उसमें काइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कैसे स्ट्रिंग लगे हुए रहते हैं, उसमें एक टेल होती है, ठीक है। तो वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का चैप्टर 7 है, द काइट, ठीक है। कैन यू सी द काइट, क्या आप लोग काइट देख सकते हैं। इट ऑलवेज वेव्स इट्स टेल एंड शेक्स इट्स ईयर्स। आप लोग यहाँ देखिए, ये काइट है, ठीक है। इसमें जो है ये क्या है, ये इसका टेल है, ये काइट है। इस काइट में ये जो है ये टेल है। तो ये टेल क्या करती है, ये हमेशा लहराती है। जब हवा में काइट उड़ती है तो उसकी टेल जो है वो हमेशा लहराती है। टेल मतलब होता है पूंछ, तो इसकी पूंछ जो है वो हमेशा लहराती है। एंड सिक्स इट्स ईयर्स, और इसके जो ईयर है, ये जो उसके ईयर है वो हमेशा हिलते रहते हैं। अब हवा चल रही होगी आसमान में, काइट जब उड़ती है तो क्या होता है, उसके जो ये ईयर्स हैं वो सिक्स करते हैं, मतलब उसके जो ईयर्स हैं वो हिलते रहते हैं, और ये जो उसका टेल है वो वेव्स करता है, मतलब लहराता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, इट ऑलवेज वेव्स इट्स टेल एंड शेक्स इट्स ईयर्स। उसके कान जो है वो हिलते रहते हैं, और वो जो टेल है उसका वो वेव्स करता है, लहराता है, ठीक है। देन इट ब्रेक्स इट्स स्ट्रिंग एंड फ्लाइज अवे। उसके बाद क्या होता है, ये अपने तार से टूट जाती है। ये जो काइट है इसमें ये स्ट्रिंग है उसका, इसी के सहारे ये काइट उड़ती है। तो ये स्ट्रिंग जो है वो हाथ से छूट के कभी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। एंड फ्लाइज अवे, और वो जो काइट है वो दूर उड़ के चली जाती है। इट इज ए नॉटी काइट, इसीलिए इसको नॉटी काइट कहा गया है। क्यों, क्योंकि ये काइट जो है वो स्ट्रिंग से टूट के वो दूर चली जाती है, ठीक है। ये था फर्स्ट पैरा। फर्स्ट पैरा में हमने क्या पढ़ा कि ये जो काइट है इसका जो टेल है वो लहराता है, ठीक है। ये जो टेल है वो पूरा हवा में लहराता है, और उसका जो ईयर्स है, ये दोनों जो ईयर्स है वो सिक्स करते हैं, वो हवा में हिलते रहते हैं। और जब ये स्ट्रिंग से, तार से, ये जो तार है ये से टूट जाती है, तब क्या होता है, ये बहुत दूर उड़ के कहीं चली जाती है, और इसलिए ये नॉटी काइट है। इट इज ए नॉटी काइट, बहुत नटखट ये पतंग है। नेक्स्ट पैरा में दिया हुआ है, इट सीट्स ऑन द टॉप ऑफ हाउस एंड गेट्स स्टक इन ट्रीज। उसके बाद वो जाके कहाँ बैठती है, वो तो स्ट्रिंग से टूट जाती है, उसके बाद वो जाके कहाँ बैठती है, वो हाउस के टॉप पर जाके बैठ जाती है। घर के हाउस जो रहते हैं, घर उसके टॉप पे जाके बैठ जाती है, वहाँ एक ट्री में फंस जाती है। स्टक मतलब होता है फंसना, ठीक है। इट फॉल्स इन टू पॉन्ड्स और ऑन द ग्रास, और ये या तो तालाब में भी गिर सकती है या घास पे भी वो काइट गिर सकती है। इट हैज अ स्नो वाइट फेस एंड पिंक एंड वाइट ईयर्स, इट इज सच ए प्रिटी काइट। और ये जो काइट है इसका पूरा जो फेस, इसमें बुक में काइट बना हुआ है, वो पूरा स्नो वाइट का है, पूरा जो फेस है वो स्नो वाइट कलर का है, ठीक है। और इसका जो ईयर है वो पिंक एंड वाइट कलर का है, ये यहाँ पे वाइट है और यहाँ पे पिंक है। इसका जो ईयर है वो पिंक और वाइट कलर का है, ठीक है। इट इज सच ए प्रिटी काइट, और ये जो काइट है वो देखने में बहुत सुंदर काइट है, एक प्रिटी काइट, ठीक है। नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, इट इज मेड ऑफ पेपर एंड लिटिल बिट्स ऑफ स्ट्रिंग टाइड टुगेदर। और ये जो काइट है ये किससे बनी हुई है, ये पेपर से बनी हुई है, और इसमें बहुत सारे स्ट्रिंग तार जो है वो इसको एक साथ जोड़ के रखी है। जो स्ट्रिंग है इससे जो है काइट जोड़ के रखी है, ठीक है। स्ट्रिंग के सहायता से ही काइट जो है वो आसमान में फ्लाई करती है। नेक्स्ट है, लुक एट इट नाउ। अब बोला गया है कि अब यहाँ देखिए, इट इज स्टक ऑन ए रेड रूफ। अब ये कहाँ फंस गई, अब ये एक हाउस के, मैंने बताया ना पहले कि एक हाउस थी उसमें फंस गई। तो वो हाउस कैसा थी, उसका जो हाउस का रूफ था वो रेड कलर का था। द चिल्ड्रन पुल द टेल ऑन ऑफ द काइट, और वहाँ जो बच्चे हैं जो पतंग उड़ा रहे थे वो क्या किए, वो काइट को खींचने की कोशिश कर रहे थे। बट द काइट डज नॉट मूव, बट काइट जो है वो हिली भी नहीं। ट्राई दे ट्राई अगेन, और वो लोग ने फिर से कोशिश की काइट को पकड़ने की, वो जो है एक हाउस के रूफ में फंस गई थी काइट, ठीक है। नेक्स्ट पैरा में, देन दे ब्रिंग ए लेडर, दे क्लाइम अप केयरफुली। उसके बाद वो बच्चों ने क्या किया, उन्होंने एक सीढ़ी लेके आई, और देन दे क्लाइम अप केयरफुली। उसके बाद उन्होंने बहुत ध्यान से सीढ़ी पर चढ़ा। जस्ट देन द ब्रिंग लीप्स द काइट एंड
इट फ्लाइज अवे अगेन। उसके बाद तुरंत क्या हुआ, हवा जोर से चलने लगी और हवा से क्या हुआ, वो काइट उठ के पूरी दूर चल गई। ठीक है, हवा तुरंत चलने लगी और काइट उठ के पूरी दूर चले गए। इट फ्लाइज ओवर द फील्ड एंड फार फार अवे, वो मैदान से होते हुए पूरी बहुत दूर चल गई। अब बच्चों के हाथ में वो काइट नहीं आ सकती थी। तो ये था हम लोग का चैप्टर 7। इसमें हमने काइट के बारे में पढ़ा कि काइट में स्ट्रिंग होते हैं, उसमें टेल होता है, उसका फेस जो होता है वो कौन से कलर का होता है, स्नो व्हाइट कलर का होता है, उसके ईयर्स जो है वो पिंक और व्हाइट कलर के है। ठीक है, वो जो है वो एक हाउस के टॉप पे जाके फंस जाती है, स्टक हो जाती है, ट्रीज में फंस जाती है। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, लेडर लेके आते हैं, सीढ़ी लेके आते हैं उस काइट को उतारने के लिए। ठीक है, पर जब हवा चलती है, हवा लिफ्ट करती है, तो क्या होता है, वो काइट और दूर जाके कहीं उड़ जाती है और बच्चों के हाथ नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग से जो है वो अपने तार से टूट चुकी है, तब वो कहीं भी जा सकती है। ठीक है, तो ये था हम लोग का चैप्टर 7 द काइट। इसमें कुछ मीनिंग है, न्यू वर्ड्स हैं। जैसे पहला वेव्स, मैंने बताया टेल जो है वो वेव्स करती है, मतलब वेव्स का मतलब होता है लहराना। ठीक है, लहराती है। ठीक है, नेक्स्ट है टेल, टेल का मतलब होता है पूंछ। नेक्स्ट है सेज, सेज का मतलब होता है हिलना। देश का मतलब होता है टूट जाना। नेक्स्ट है प्रीति, प्रीति का मतलब होता है सुंदर। काइट जो है बहुत प्रीति लग रही थी, इट इज ए वेरी काइट प्रीति, इट इज ए वेरी प्रिटी काइट। ठीक है, ये काइट जो है वो बहुत सुंदर है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है तार। नेक्स्ट है स्टक, स्टक का मतलब होता है फंस जाना, जैसे वो ट्री में जाकर स्टक हो गई थी काइट। ठीक है, नेक्स्ट है लेडर, लेडर का मतलब होता है सीढ़ी। नेक्स्ट है लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब होता है हवा से वो लिफ्ट हो गई, मतलब हवा की सहायता से वो उठ के कहीं और चल गई। ठीक है, तो ये था हम लोग का चैप्टर 7। इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन है एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। ठीक है, इसमें पहला है द काइट ऑलवेज डैश इट्स टेल। काइट जो है वो क्या करती है, उसकी टेल जो है वो हमेशा क्या होती है, वो वेव्स होती है। वेव्स का मतलब होता है लहराना। ठीक है, तो उसकी टेल जो है वो हमेशा लहराती है, तो वर्ब का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है इट सीट्स ऑन द टॉप ऑफ, वो कहाँ जाके बैठती है, कहाँ जाके बैठ जाती है, टॉप ऑफ हाउस, हाउस के टॉप में जाके बैठ जाती है जब वो स्ट्रिंग से टूट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द काइट डज नॉट मूव व्हेन द चिल्ड्रन पुल इट्स टेल है, ईयर है, फेस है। वो काइट जो है वो मूव नहीं कर रही है जब तक जो है वो चिल्ड्रन ने क्या नहीं खींचा, उसका टेल नहीं खींचा। ठीक है, नेक्स्ट है द चिल्ड्रन क्लाइम अप द डैश। चिल्ड्रन किस पे चढ़ते हैं, स्टेयर्स पे, रूफ पे या लेडर पे, वो लेडर पे चढ़ते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते हैं, तभी वो काइट तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द काइट फ्लाइज अवे व्हेन द डैश लिफ्ट्स इट। ठीक है, काइट जो है वो उड़ रही थी, क्यों, क्योंकि तब हवा तेज चलने लगी, इसीलिए काइट जो है वो उड़ने लगी। ठीक है, तो ये था हम लोग का चैप्टर 7 लिटरेचर का। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें जो न्यू वर्ड्स है इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।